मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से बचने के लिए जिन बिजनेसमैनों ने रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपने नोटबंदी के बाद रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और इसमें अपनी इनकम के बारे में गलत जानकारी दी है तो अब आपको इसके लिए सजा भुगतनी होगी। CBDT ने अधिकारियों को नोटबंदी के बाद रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर के मामले में सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ब्लैक मनी का पता लगाने पर ऊंचा टैक्स रेट वसूलने के लिए भी कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी मेकिंग बॉडी ने डिपार्टमेंट के सभी रीजनल हेड्स को 24 नवंबर को 2 पेज का एक निर्देश जारी किया जिसमें नोटबंदी के बाद संदिग्ध फाइनेंशियल एक्टिविटी पता लगाने की स्थिति में आगे कार्रवाई के तरीके के बारे में बताया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने निर्देश में कहा, जांच में सामने आई अघोषित आय पर IT एक्ट के सेक्शन 115BBE ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत लॉस एक्सपेंस आदि की गणना किए बिना सबसे ऊंचे रेट से टैक्स लगाया जाए। CBDT के निर्देश का उद्देश्य रिवाइंड या देर ITR भरने की व्यवस्था के लीगल प्रोविजन का दुरुपयोग रोकना और ब्लैक मनी है जिसे टैक्स पेयर द्वारा नोटबंदी के बाद व्हाइट के तौर पर प्रदर्शित नहीं किया गया हो। ऐसे में नोटबंदी को लेकर अगर किसी ने भी जल्दबाजी दिखाई थी या फिर रिवाइज रिटर्न भरा था उनके लिए दिक्कत हो सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।